नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार राय, बेगूसराय बिहार से। आज हम आप लोगों के बीच में एक सस्ता फीडिंग किस तरह से कराते हैं, जैसे लॉकडाउन में दाना वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो अभी 2 महीना से यूज कर रहे हैं उसका मैं एक तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें राइस ब्रांड जो है वो 10 किलो लेंगे, और 10 किलो में एक मतलब कैसे मिलाते हैं उसको हम बता रहे हैं आपको। तो 10 किलो राइस ब्रांड लेंगे और 2 किलो सरसों का खल्ली लेंगे। अगर सोयाबीन का खल्ली मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिलता है तो सरसों का खल्ली 2 किलो ले लेंगे, और उसमें 2 किलो मकई का आटा जो है, मकई को उला करके और उसके बाद उसको आटा जो है सो पिसवा लेंगे, और पिसाने के बाद इसमें मिक्स कर देंगे। और 2 किलो फिश मिल, जैसे कैटफिश जो कोई पालता है तो वो ऐसे सादा देंगे तो नहीं खाएगा, लेकिन कैटफिश में जो भी है, सिंगी है, मांगुर है, जो भी तिलापिया है, सुपर गिफ्ट कैप्टेन है, जो भी जैसा भी आप मतलब जो भी फिश है उसको खिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिश मील ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिश का पाउडर आता है वो आपको 40-45 रुपये किलो करीबन मिल जाता है। तो टोटल कॉस्ट जो आएगा इसमें, हम जो मिला रहे हैं इस तरह से बॉल के अंदर, ये बॉल जो है बॉल के अंदर में मिलाएंगे, और इसका रेट मैं बता दूँ कि मतलब ये रेट जो लिख के रखा हूँ मैं इसको, राइस ब्रांड 15 रुपये किलो, आपका 15 रुपये किलो से 150 रुपया, मकई जो है 20 रुपये किलो 40 रुपया, और आपका ये खल्ली जो है 21 रुपया, सरसों खल्ली 21 रुपया 42 रुपया, और फिश मील 45 रुपया केजी, 2 केजी 90 रुपया, यानी कि टोटल 16 केजी माल अगर हम बनाएंगे इसमें तो हमारा 322 रुपया खर्चा होगा, और इसको 322 को अगर हम 16 से भाग देंगे तो 20 रुपया 125 125 पैसा पड़ेगा। तो इस तरह से यानी कि 20 रुपया किलो पड़ेगा, लगभग 20 रुपया किलो पड़ गया 1 किलो। अगर हम फ्लोटिंग फीड खरीदते हैं या कोई भी फीड खरीदते हैं तो 46 रुपया से कम नहीं, 43 से लेकर के 45 रुपये तक, 46 रुपये तक है, ठीक है। अभी मैं किस तरह से मिलाऊंगा, ये बॉल है खेलने वाला, ये जो खेलने वाला बॉल है ये सिंकिंग को मतलब जो डूबने वाला है उसको हम क्या करेंगे कि इसको हम जो है सो फ्लोटिंग में बदल देंगे। तो अभी इस तरह से हम ये इस टाइप का बनाए हैं, और इसको हम इस तरह से पूरा, थोड़ा लाइट से हट जाइए ना, थोड़ा सीधा से लीजिए, हाँ, इसको इस तरह से क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, और इस तरह से बना करके एक एक टैंक में हम एक एक छोड़ेंगे। हाँ, अभी ये इसको गोल कीजिए, ये देखिए, ये इस तरह का जो है सो हम बॉल बना दिए हैं, और अभी इसको टैंक में दे करके हम खाना खिला करके दिखाएंगे, यानी कि 20 रुपये किलो पड़ेगा, और 20 रुपये किलो अगर आप टैंक में पड़ता है जो 45 रुपये लेते तो स्वाभाविक है कि एक कल्चर में आपका जो 25-30 हज़ार रुपया लगता था तो वो कम से कम 10-15 हज़ार रुपया तक में सिमट जाएगा। तो स्वाभाविक है अगर 10-15 हज़ार रुपया खर्चा आपका आएगा, और इसमें अमोनिया नहीं बनेगा, अमोनिया नहीं बनने के लिए इसमें मोलासिस और FCO, ये FCO जो हम लोग फर्मेंटेशन करके रखते हैं वो, और इसके लिए मेटाजेल H, ये सब चीज़ मिला करके इसमें जो ये सारा चीज़ मिलाते हैं और ऐसा बना लेते हैं, और टैंक में हम अभी अप्लाई करके आपको दिखाएंगे और किस तरह से खाता है। अभी मैं ये एक एक कैटफिश जो है तिलाविया पीस है इसमें, जो कि अंतिम जो बेच करके, ये 14 टैंक में तिलाविया था, इसको बेचने के बाद जो ये छोटा पीस बच गया है उसको हम एक पीस दे करके दिखा रहे हैं आपको किस तरह से ये खाता है। ऊपर जी देखिए किस तरह से वो बॉल को घुमाएगा और खाए, दुलमर दिया देखिए, इस तरह से हम देते हैं, सब में दे देंगे, आधे घंटे के बाद देखेंगे। देखिए नीचे मैं डाला हूँ, और नीचे से वो फ्लोटिंग फीड की तरह वो तैर रहा है, और तैरते ही रहेगा पूरा, और इसमें देखिए मछली आ गया खाने के लिए। देखिए इसको बॉल को गेंद की तरह बना दिया उसने, वो देखिए पूरा खाना शुरू कर दिया मछली, देखिए इसमें ग्लास कप का बच्चा है पूरा, और वो खाना शुरू कर दिया, इसको देखिए कैसे बॉल को रनिंग कर देता है।
सब आ गई हो? अभी खा के खत्म कर देगा उसको। चलिए आगे देखिए, अभी मैं इसको ऐसे डालूंगा और ये डूबता है कि नहीं डूबता है वो देखिए। इसके अंदर हमने ऐसे जोर से भी डाल दी तब भी वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा और ये तैरता रहेगा। इसमें पूरा मछली आकर के इसको खाएगा। All right.